रूपचंद सोनी चुने गए मोहनगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। अयोध्या मंदिर माध्यमिक रामगढ़ में स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस को कैरियर के डे के रूप में मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काणोद में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता व विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। NCS पोर्टल पर पंजीयन करने की दी जानकारी। CMHO डॉक्टर बुनकर ने चिकित्सा संस्थानों का किया आकस्मिक निरीक्षण, चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। रूपचंद सोनी चुने गए मोहनगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। मोहनगढ़ कृषि उपज मंडी समिति ने चुनाव गुरुवार को आयोजित हुए, जिसमें सभी मंडी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मोहनगढ़ निवासी रूपचंद सोनी को अध्यक्ष और थैया निवासी रत्नाराम भील को उपाध्यक्ष चुना है। मंडी समिति के सदस्यों खेताराम प्रजापत, भवरू राम, बजरंग राम, काबुल सिंह, भीखाराम विश्नोई, बालाराम चौधरी का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, बलवीर पूनिया, बालाराम धंदे, महात्मा कल्याणानंद गंगानंद और गोर्धन सिंह चौहान, हजूरी समाज अध्यक्ष कमल सिंह, अर्जुन सिंह, कुलजीत सिंह, चंद्रभान सिंह, श्याम सुंदर, तिलोक वीरेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक रामगढ़ में स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस को कैरियर डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में विद्या मंदिर के आचार्य रविंद्र सिंह द्वारा भैया बहनों को भविष्य के कैरियर के बारे में जानकारी देते हुए लगातार मेहनत करने और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चयन करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। आचार्य जीवन सिंह द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में व्याख्यान दिया। बहन हेमलता चौहान कक्षा 7 ने भी स्वामी जी के जीवन के बारे में विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में अभिभावक लीलाधर गाड़ी रामगढ़, अमृत सिंह सोलंकी, ओम प्रकाश आचार्य व विद्या मंदिर के सभी आचार्य बंधु भगिनी उपस्थित रहे। मंच का संचालन बहन गुंजन खत्री कक्षा 7 ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काणोद में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता व विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोदिया और कार्यक्रम पर्यवेक्षक राजेंद्र जी पुरोहित के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काणोद में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता व विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में जूझा सिंह ने सभी विद्यार्थियों को विवेकानंद जी के विषय में सारगर्भित जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बजरंग राम लोहिया, जूझार सिंह हमीरा, जालम सिंह, सुमन लक्ष्मी, मनोहर गिरी, कंवर सिंह पाटी आदि और नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक ठाकुर राम ने भी सभी का सहृदय आभार व्यक्त किया। NCS पोर्टल पर पंजीयन करने की दी जानकारी। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल तथा रिज्यूम बनाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय जैसलमेर द्वारा SBK राजकीय कॉलेज जैसलमेर में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी भवानी प्रताप चारण के मार्गदर्शन में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन SBK राजकीय कॉलेज जैसलमेर में किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार दलाल के सहयोग से यंग प्रोफेशनल राहुल विजया जैन, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने विद्यार्थियों को NCS पोर्टल पर पंजीयन और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार और रिज्यूम बनाने के सुझाव दिए। CMHO डॉक्टर बुनकर ने चिकित्सा संस्थानों का किया आकस्मिक निरीक्षण, चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बुनकर द्वारा शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगढ़ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांगड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों व कार्मिकों से विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थान पर पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने व चिकित्सा संस्थान की साफ सफाई बेहतर बनाए रखने में निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बुनकर ने चिकित्सा संस्थानों के वार्ड, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्र, कोल्ड चेन पॉइंट व लैब आदि की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और कोविड टीकाकरण से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परम सुख सैनी भी साथ थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।